युद्ध इतिहास में बहुत सारी खतरनाक खतरनाक सजाएं, रूह कपा देने वाली सजाएं सुनाई जाती थी और लोगों को दी जाती थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सजा के बारे में जिसको सुन करके आप भी दहल जाएंगे। जी हाँ, इस सजा का नाम है गिलोटीन। गिलोटीन, ये जो गिलोटीन नामक सजा है, ये 1793 से 794 के बीच में दी जाती थी एक व्यक्ति के द्वारा जो कि फ्रांस का उस समय राजा बना था। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, ये बहुत ही अत्यधिक गुस्सैल किस्म का व्यक्ति था और इसका मानना था कि अगर कोई भी नियम और कानूनों को नहीं मानेगा तो उसको यह सजा गिलोटीन दी जाएगी। क्या थी ये सजा? इस सजा में दो खंभे होते हैं और बीच में एक ब्लेड लगी होती है और किसी व्यक्ति को लेटा करके उस ब्लेड के माध्यम से उसकी पूरी की पूरी गर्दन को काट दिया जाता है। इस सजा को गिलोटीन कहते हैं। फ्रांस के अंदर लोगों में बहुत ही ज्यादा डर इस सजा का बैठा हुआ था क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर छोटी छोटी बातों पर लोगों को सजा देता था। अगर किसी व्यक्ति ने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को मिस्टर कह के नहीं पुकारा तो उसने उसको गिलोटीन की सजा दे दी। अगर किसी व्यक्ति के घर की जो रोटी है वो बहुत ज्यादा पतली हो गई है और यह खबर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को लग जाती है तो उसको गिलोटीन की सजा हो गई। इससे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर बैठा था। फ्रांस में 1793 से 1794 का जो समय है ये रीजन ऑफ टेरर यानी कि एक भय का समय माना जाता है। फ्रांस के कोर्ट ने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को सजा दी और आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉबेस्पियर को कौन सी सजा मिली होगी। सोचो सोचो, गिलोटीन।